वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड ट्रेवल कैफे। फ्रेंड्स, आज हम ब्रिंजल और एग की स्पेशल रेसिपी बनाएंगे, जिसमें वेजिटेबल्स भी, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी मिक्स होंगे और एक चेंज भी हो जाएगा। देखिए, हमारा ये स्पेशल रेसिपी देखिए काफी यम्मी है। इसमें मैंने वेजीज भी डाला है बहुत सारा और इसमें एग भी है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए और इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन लेंगे और इसको ऐसे काट लेंगे। इसको इस तरह से राउंड शेप में काट लेंगे। ऐसे काटकर हम बीच से ये वाला राउंड शेप में इसको निकाल लेंगे। इस तरह हम ये कुछ भाग निकाल लेंगे इस तरह से। थोड़े बीन्स को सब्जी की तरह थोड़ा सा बारीक काट लें। प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, इसके साथ जो मैंने बैंगन का ये भाग काट कर रखा हुआ है इसको भी हम इसमें काट लेंगे। और अब हम एक बाउल में डालेंगे ये कटे हुए बैंगन का जो पार्ट है, ये कटे हुए बीन्स, ये कटे हुए बारीक कटे हुए कैप्सिकम, टमाटर और इसमें ये कटे हुए प्याज, ये हरी मिर्च, इसके साथ हल्दी पाउडर, नमक और इसमें हम डालेंगे अंडे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम ये रिंग्स जो मैंने बैंगन का काट कर रखा है वो इसमें डाल देंगे।
और इसके ऊपर हमने जो ये सब्जी और अंडे का जो पेस्ट तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर हम इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ी देर पक जाए तो हम इसे ऐसे पलट देंगे। और फिर ढककर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये दूसरी साइड भी हमारा पक चुका है और हम इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे गैस ऑफ करके। ये देखिए दूसरी साइड भी अच्छे से पक गया है हमारा। ये तो फ्रेंड्स हमारा ये जो बैगन है, बैगन अंडे का और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन, ये काफी अच्छा एक अलग तरह का रेसिपी हो गया। आप इसे राइस या रोटी के साथ खा सकते हैं, काफी टेस्ट भी अच्छा होता है और गर्मा गर्म खाने पर और भी यम्मी लगता है। फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। गुड बाय।